सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। 10 अगस्त बहुत ही नज़दीक है और जिन्होंने भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, दोस्तों उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आया हूँ। वैसे आप सब जानकार हैं और काफ़ी विद्वान हैं, लेकिन फिर भी यदि इस वीडियो से आपको किसी प्रकार की हेल्प मिले तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की जो महत्वपूर्ण जो है, जो भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए 10 अगस्त 2023 आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं 2 बजे से 3 बजे के बीच में होगी। 60 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा। MCQ यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो आधा नंबर है, साथ ही साथ अगर प्रश्न गलत होता है तो 1/4 नंबर काट दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। OMR शीट आपको मिलेगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। अब बात कर लेते अपन कि किस टाइप के प्रश्न होंगे, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएंगे और कहाँ से आपको अपने नंबर को गेन करना है। तो देखिए इंग्लिश भाषा दक्षता सबसे ज़्यादा इंग्लिश पर फोकस किया गया है, यानी कि 50 क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर हो गए इंग्लिश से, क्योंकि आप महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय हैं उन विद्यालय में पढ़ाने के लिए या नेतृत्व कार्य करने के लिए आप उसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश के प्रति रुझान और इंग्लिश के प्रति दक्षता इसमें उसको प्रायोरिटी दिया गया है, यानी कि अंग्रेजी विषय के प्रति किस तरह से आपकी दक्षता है या इंग्लिश के प्रति आप या इंग्लिश विषय में आप कैसे जानकार हो। चूँकि इसमें प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 सभी तरह की भर्ती है, तो इंग्लिश के प्रति या इंग्लिश सब्जेक्ट में सभी इतना नॉलेज नहीं रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश विषय पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उन्हीं को इंग्लिश में ज़्यादा दक्षता होती है। अब प्रश्न आता है कि इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे या किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, तो यहाँ माध्यमिक स्तर दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 6 से लेके 10वीं स्तर तक कक्षा 6 से लेके 10th के लेवल तक किस प्रकार के इंग्लिश के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि इंग्लिश विषय से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप एनालिसिस कीजिए। जैसे ग्रामर्स जो है उसमें सिंपली क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, टेंस से, जैसे टेंस जो है तीनों टेंस उनसे संबंधित किस तरह से वाक्यांश, कहाँ वर्ब्स कौन सी बैठेगी ये आपको याद होने चाहिए, प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से, फ्यूचर टेंस से इसका नॉलेज, साथ ही साथ कुछ ग्रामर्स जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जैसे एस और ईएस का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, क्वेश्चंस यानी कि आंसर दिया होगा उसका क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे आपको। तो आप जो ग्रामर्स जो हैं ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए। देखिए 50 क्वेश्चंस माध्यमिक स्तर के, इसमें सामान्य ग्रामर, टेंस, इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश कैसे बोली जाए, उसमें कौन सा वर्ड कहाँ, साथ ही साथ स्पीच इंग्लिश और इंग्लिश वर्ड्स, मेनली इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर, और जनरल इंग्लिश सामान्य वोकेबिलिटी। दूसरा है विभागीय योजनाएं, यानी कि विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं विद्यालयों में संचालित की जाती है जिससे बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले या उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन योजनाओं को मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए 10 क्वेश्चन जो होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, TGT टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट से लेके TGT तृतीय श्रेणी अध्यापक तक के जो 10 क्वेश्चन बनेंगे विभागीय योजना के, और प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करने वाले प्रधानाचार्य के लिए 5 क्वेश्चन जो होंगे
वो विभागीय योजना के होंगे, जबकि 5 क्वेश्चन नेतृत्व क्षमता यानी कि किस तरह से नेतृत्व किया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि नेतृत्व में किस तरह से निखार किया जाए या किस तरह से हम हाउ टू अपन नेतृत्व कर सकते हैं, पूरे स्टाफ को किस तरह से या किस तरह से सारी जो योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं में संवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन सी योजना संचालित है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, ट्रांसफर वाउचर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बालिकाओं को दी जाती है। ट्रांसफर वाउचर योजना, इसमें 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बालिकाओं के लिए। इसके अलावा राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय योजना है, ये भी बालिकाओं के लिए है। 2016 ये स्टार्ट है, इसमें जो बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी जो 12th एजुकेशन तक जो पैसे 50,000 रुपये का दिया जाता है, 2500 रुपये उनके जन्म पर, 2500 रुपये उनके प्रथम जन्म दिवस पर, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने पर, उसके बाद पाँचवीं क्लास में, पाँचवीं क्लास पास होने पर, फिर 10वीं क्लास, फिर 12वीं क्लास, इस तरह से फिर कॉलेज में एडमिशन तक टोटल 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। पालनहार योजना, पालनहार योजना भी महत्वपूर्ण योजना है। विधवा महिला है या कोई जो महिला है, मान लीजिए उनके पति ने उनको छोड़ दिया है इस तरह की, या नाता जानने वाली जो महिला है उनके बच्चे पालनहार योजना में लाभान्वित होते हैं। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिक क्लास से पहले और मैट्रिक क्लास के बाद की जो स्कॉलरशिप है, जैसे 9th-10th है, 11th-12th है, उसमें स्कॉलरशिप SC-ST OBC उनके लिए जो छात्रवृत्ति योजना है वो। साथ ही साथ इंस्पायर अवार्ड योजना, इंस्पायर अवार्ड योजना कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक साइंस के प्रति नवाचार, नई किस तरह से इनोवेशन बच्चे खोजें उनके लिए इसमें प्रावधान है, यानी कि विज्ञान का इसमें 10,000 रुपये जो संबंधित जो बच्चा होता है उसके अकाउंट्स में डाले जाते हैं, यदि उनका इनोवेशन आइडिया अगर सेलेक्ट किया कर लिया जाता है, ये भी विद्यालय में संचालित हैं। साथ ही साथ MDM जो 8वीं तक जो बच्चे हैं उनको MDM भी दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें उड़ान योजना है, गार्गी पुरस्कार 75% जो 12वीं में जो गर्ल्स हैं बालिकाएं अगर अर्जित कर लेती है तो उनको गार्गी पुरस्कार भी का प्रोत्साहन भी दिया जाता है। बाल गोपाल योजना, जैसा कि दुग्ध पाउडर का या दुग्ध का जो वितरण किया जाता है बच्चों को, ये बाल गोपाल योजना है। साथ साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, साइकिल वितरण, ऐसी अनेक सारी योजनाएं संचालित होती है। साइकिल वितरण कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं जो कि 4 से 5 किलोमीटर दूर से आती हैं उनको, या स्थानीय जगह से भी आती हैं उन सभी के लिए, 5 से अधिक हैं तो वो चाहे तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए भी कर सकते हैं। जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना है, 12वीं तक की जो बच्चे हैं बालिका बालक जो भी विद्यालय में पढ़ते हैं उन सभी को निःशुल्क यानी कि जो पाठ्य पुस्तक है उनकी जो बुक्स है वो अवेलेबल कराई जाती है। देवनारायण स्कूटी योजना, स्कूटी वितरण परसेंटेज के ऊपर ये मेरिट बनती है इसकी। लैपटॉप वितरण योजना है, या इस प्रकार की अनेक सारी योजना है, जैसे NMMS है, नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, उसमें भी यदि 8वीं क्लास में अध्ययनरत जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो 8वीं क्लास के साथ फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसमें मेरिट में आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मेरिट बनती है, अगर उसमें मेरिट में आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो कक्षा 9, 10, 11, 12 तक उनको प्रति माह 1,000 रुपये उनके अकाउंट्स में डाले जाते हैं। तो इस तरह की ये राष्ट्रीय स्तर की नेशनल मेरिट, ये इस तरह की जो अनेक सारी योजनाएं हैं विज्ञान के प्रति नवाचार, नेशनल मेरिट्स जैसे 8वीं स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, बाल गोपाल योजना, स्कॉलरशिप, इस तरह की अनेक सारी जो राष्ट्रीय योजना है, अनेक सारी योजनाएं विभागीय योजना होती है, और इन सभी योजनाओं को आपको अच्छे से देख लेना है कौन सी योजना कब चालू हुई, कौन सी योजना में कितना प्रावधान है और कितना उसमें बेनिफिट्स हैं, या स्कॉलरशिप किस कैटेगरी को कितनी मिलती है। तो साथियों, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको किस तरह से
इन सभी योजनाओं के बारे में बताया जाए। यदि मैं इस वीडियो को बनाने में अगर सफल रहा या आपको किसी प्रकार का अगर लाभ मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।